हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्माइक्वोटेंस। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हम लेंथ का यूनिट कन्वर्जन, साथ के साथ मास का यूनिट कन्वर्जन और साथ के साथ देखने वाले हैं लिक्विड का कन्वर्जन, यानी कि किलोलीटर से लीटर, और ये सारा सब कुछ देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, जब भी हम बात करते हैं कन्वर्जन की, चाहे वो किलोग्राम से ग्राम हो, ग्राम से मिलीग्राम हो, चाहे वो किलोलीटर से लीटर हो, लीटर से मिलीलीटर हो, चाहे वो आपका किलोमीटर से मीटर में हो, मीटर से मिलीमीटर में हो, तो बहुत ही कन्फ्यूजन आता है कि किस तरीके से हमें कन्वर्जन करना है। तो आज आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और चलिए वीडियो एंड तक देखते हैं। आपको टेबल याद करना है जिसमें आएगा किलो एक, हेक्टो का आएगा 10, उसके बाद आता है हेक्टो के बाद डेका, डेका में आएगा 100, डेका के बाद आएगा ग्राम, मीटर और लीटर, इसमें आएगा 1000, इसके बाद आएगा डेसी, डेसी में 10000, उसके बाद आएगा सेंटी, सेंटी में 1 लाख, और सेंटी के बाद आएगा मिली, मिली का आएगा 10 लाख। तो ये आपको याद करना है। इससे देखिए आप सारी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम कितने, 1000, केजी कितना है, 1 / 1 करो, 1000 ग्राम, सिंपल है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई पूछता है एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर कितने, 10 लाख, 1 / 1 कितना आएगा, 10 लाख। अब देखिए मिलीलीटर कितना है, 10 लाख है ना, 10 लाख 1/1 किया है। अब पूछते हैं एक डेका लीटर में कितने ml होते हैं, तो ml कितने हैं, 1 लाख, और डेका लीटर कितना है, 100, तो एक लाख को डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10000 ml हो जाएगा। तो एक डेका लीटर में कितने, 10000 ml होते हैं। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर कितना है, 1 लाख, और मीटर कितना है, 1000, तो 1 लाख डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो कितना, 100 सेंटीमीटर आएगा। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से आप सारी यूनिट चेंज कर सकते हैं, किलो से मिली में कर सकते हैं, हेक्टो से सेंटी में कर सकते हैं, डेका से डेसी में कर सकते हैं। तो ये एक यूनिट कन्वर्जन करने का तरीका है, लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन तब कर सकते हैं जब आपको ये चीज़ याद होगा। तो किलो हेक्टो डेका ग्राम, किलो हेक्टो डेका ग्राम, डेसी सेंटी मिली, आप इसको इस तरीके से याद करिए और एक लिखिए, फिर 10, फिर 1 0 बढ़ाते जाइए, इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।